यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू। मसीह यीशु में जो छुटकारा है उसके द्वारा उसके अनुग्रह से सेंतमित धर्मी ठहराया गया है, जिसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण विश्वास करने से प्रायश्चित करके ठहराया है, कि वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे कि पिछले पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर की सहनशीलता के द्वारा कि अब से उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि वह धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। रोमियो 3:24-26। तब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और उसे आशीर्वाद दिया और उसे तोड़ा और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और उसने प्याला लिया और धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नए नियम का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मत्ती 26:26-28। और जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और उसे आशीर्वाद दिया और उसे तोड़ा और उन्हें देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। और उसने प्याला लिया और धन्यवाद करके उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह नए नियम का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मरकुस 2:22-24। और उसने रोटी ली और धन्यवाद किया और उसे तोड़ा और उन्हें देकर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के बाद प्याला भी यह कहते हुए दिया कि यह प्याला मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। लूका रात के 10:19-20। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस सचमुच भोजन है और मेरा लहू सचमुच पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ। यूहन्ना 6:53-56। इसलिए मैं आज तुम्हें ये प्रमाणित करता हूँ कि मैं सभी मनुष्यों के खून से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें परमेश्वर की सारी मनसा बताने से नहीं झिझका। इसलिए अपने आप पर और पूरे झुंड पर ध्यान दो, जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष नियुक्त किया है, ताकि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने ही खून से खरीदा है। प्रेरितों के काम रात के 8:26-28। तो अब जब हम उसके खून के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। रोमियो 5:9। जिस आशीर्वाद के प्याले को हम धन्यवाद देते हैं, क्या वह मसीह के खून की सहभागिता नहीं है? जिस रोटी को हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं है? 1 कुरिन्थियों 10:16। इसी रीति से उसने भोजन करने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया नियम है, जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की यह रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। 1 कुरिन्थियों 11:25-27। उसने अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपने लिए मसीह यीशु के द्वारा लिपालिक होने के लिए पहले से ठहराया है कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिससे उसने हमें अपने प्रिय में ग्रहण किया है
जिसमें हमको उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इफिसियों 1:5-7। परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। इफिसियों 2:13। पिता का धन्यवाद करो जिसने हमें ज्योति में पवित्र लोगों की मीरास में सहभागी होने के योग्य बनाया, जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमको उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिला है। कुलुसियों 1:12-14। और अपने क्रूस के लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का अपने साथ मेल कर लिया है, चाहे वे पृथ्वी की हों या स्वर्ग की। कुलुसियों 1:20। अतः जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को नाश करे। इब्रानियों 2:14। इब्रानियों 9। तो वास्तव में पहली वाचा में भी ईश्वरीय सेवा के नियम थे और एक सांसारिक पवित्र स्थान था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया था पहला, जिसमें दीवट और मेज और भेंट की रोटी थी, इसे पवित्र स्थान कहा जाता है, और दूसरे पर्दे के बाद तंबू जिसे सबसे पवित्र कहा जाता है, जिसमें सोने का धूपदान था और वाचा का संदूक जो चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ था, जिसमें मन्ना से भरा सोने का बर्तन और हारून की छड़ी जो फूली हुई थी और वाचा की पटियाएं थी और उसके ऊपर महिमा के करूब थे जो प्रायश्चित के आसन को छाया दे रहे थे, जिसके बारे में हम अभी विशेष रूप से बात नहीं कर सकते। अब जब ये चीजें इस प्रकार नियुक्त की गईं, तो याजक हमेशा पहले तंबू में जाकर परमेश्वर की सेवा पूरी करते थे, परंतु दूसरे में महायाजक वर्ष में एक बार अकेला जाता था और वह भी बिना लहू के, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूलों के लिए चढ़ाता था। पवित्र आत्मा ये संकेत दे रहा था कि सबसे पवित्र स्थान में जाने का मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ था, जबकि पहला तंबू अभी खड़ा था, जो उस समय के लिए एक प्रतीक था, जिसमें भेंट और बलिदान दोनों चढ़ाए जाते थे, जो सेवा करने वाले को विवेक के अनुसार पूर्ण नहीं बना सकते थे, जो केवल भोजन और पेय और विविध स्नान और शारीरिक अध्यादेशों तक सीमित था, जो सुधार के समय तक उन पर लगाए गए थे। परंतु मसीह जो आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर आया है, वह और भी बड़े और सिद्ध तंबू के द्वारा आया है, जो हाथ से नहीं बनाया गया अर्थात इस भवन का नहीं, न तो बकरों और बछड़ों के लोहू के द्वारा, परंतु अपने ही लोहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। क्योंकि यदि बैलों और बकरियों का लोहू और बछिया की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कने से शरीर की शुद्धि के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लोहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर को निष्कलंक अर्पण किया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वह नए नियम का मध्यस्थ है कि मृत्यु के द्वारा पहली वाचा के अधीन किए गए अपराधों के छुटकारे के लिए बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा किए हुए अनंत मीरास को प्राप्त करें, क्योंकि जहां वाचा है वहां वाचा करने वाले की मृत्यु भी अवश्य है, क्योंकि एक वसीयत नामा मनुष्य के मरने के बाद ही लागू होता है, अन्यथा वसीयत कर्ता के जीवित रहते हुए इसका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए न तो पहली वसीयत बिना खून के समर्पित की गई थी, क्योंकि जब मूसा ने व्यवस्था के अनुसार सब आज्ञाएं सब लोगों को सुना दी, तो उसने बछड़ों और बकरों का खून लिया पानी लाल ऊन और जूफा के साथ और पुस्तक और सब लोगों पर छिड़का और कहा,
यह उस वाचा का खून है जिसे परमेश्वर ने तुम्हें देने का आदेश दिया है। इसके अलावा उसने तंबू और सेवकाई के सभी बर्तनों पर भी लहू छिड़का और लगभग सभी चीजें व्यवस्था के अनुसार लहू से शुद्ध की जाती हैं। और लहू बहाए बिना कोई क्षमा नहीं होती, इसलिए ये जरूरी था कि स्वर्ग की चीजों के नमूने इनसे शुद्ध किए जाएं। लेकिन स्वर्गीय चीजें इनसे बेहतर बलिदानों से शुद्ध की जाएं, क्योंकि मसीह हाथों से बनाए गए पवित्र स्थानों में प्रवेश नहीं किया गया जो सच्चे के प्रतीक हैं, लेकिन स्वर्ग में ही। अब हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट होने के लिए और नहीं उसे बार बार खुद को चढ़ाना चाहिए, जैसा कि महायाजक हर साल दूसरों के लहू के साथ पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, क्योंकि तब तो उसे दुनिया की नींव से ही बार बार दुख उठाना पड़ता। लेकिन अब दुनिया के अंत में एक बार वह खुद के बलिदान से पाप को दूर करने के लिए प्रकट हुआ है, और जैसा कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है, इसी तरह मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए वह उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के प्रकट होगा, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। Romans 10:4। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, Hebrews 10:19, सोचो वह कितने अधिक दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों तले रौंदा और वाचा के उस लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र समझा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। Hebrews 10:29 और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के पास और छिड़के हुए लोहू के पास जो हाबिल के लोहू से उत्तम बातें कहता है। Hebrews 12:24 क्योंकि उन पशुओं की देह जिनका लोहू महायाजक पाप के कारण पवित्र स्थान में ले जाता है छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लोहू से पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। Hebrews 12:11-12। अब शांति का परमेश्वर जिसने हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है सनातन वाचा के लहू के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया तुम्हें हर एक भले काम में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। और जो कुछ उसे भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे भीतर उत्पन्न करे जिसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। Hebrews 12:20-21। परमेश्वर पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्रीकरण के द्वारा आज्ञाकारिता और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती रहे। 1 Petrus 1:2। तुम जानते हो कि तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं अर्थात चांदी सोने से नहीं हुआ जो तुम्हारे बाप दादों से परंपरा से चली आ रही व्यर्थ चाल चलन से हुआ है, परंतु मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ है जो निर्दोष और निष्कलंक मेमने का है। 1 Petrus 1:18-19। परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागी होंगे और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। 1 Johannes 1:7। यही वह है जो जल और लोहू के द्वारा आया अर्थात यीशु मसीह, केवल जल के द्वारा नहीं वरन जल और लोहू के द्वारा, और आत्मा ही गवाही देता है क्योंकि आत्मा सत्य है, क्योंकि स्वर्ग में गवाही देने वाले तीन हैं, अर्थात पिता वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक हैं, और पृथ्वी पर गवाही देने वाले तीन हैं, अर्थात आत्मा और जल
और लोहू और ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। यदि हम मनुष्यों की गवाही ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर की गवाही उससे बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर की गवाही वही है जो उसने अपने पुत्र के विषय में दी है। 1 यूहन्ना 5:6-9 और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य गवाह और मरे हुओं में से जी उठने वालों पर उन्होंने यह नया गीत गाया कि तू ही उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लोहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रकाशित वाक्य 5:9 और मैंने उससे कहा कि हे प्रभु तू ही जानता है, और उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं, और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं। प्रकाशित वाक्य 7:14 और वे मेमने के लोहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों से प्रेम न किया यहाँ तक कि मृत्यु भी सहनी। प्रकाशित वाक्य 12:11 और मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और एक श्वेत घोड़ा देखा और उस पर जो बैठा है वह विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म से न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, और उसके सिर पर बहुत से मुकुट थे, और उस पर एक नाम लिखा हुआ था जिसे कोई नहीं जानता था, केवल वह स्वयं। और वह लहू में डूबा हुआ वस्त्र पहने हुए था, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और स्वर्ग की सेनाएं श्वेत घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चल रही थी, जो श्वेत और स्वच्छ बढ़िया मलमल के वस्त्र पहने हुए थे। प्रकाशित वाक्य 7:11-14 हम मसीह के लहू पर ध्यान दें और देखें कि परमेश्वर की दृष्टि में उसका लहू कितना मूल्यवान है जो हमारे उद्धार के लिए बहाया गया है, जिसने सारे जगत के लिए पश्चाताप का अनुग्रह प्राप्त किया है। कुरिन्थियों के लिए क्लेमेंट का पहला पत्र 4:5 और उन्होंने उसे एक चिन्ह भी दिया कि वह अपने घर के बाहर एक लाल रंग की रस्सी लटकाए और उसे इस प्रकार बांधे कि हमारे प्रभु के लहू के द्वारा उन सब को छुटकारा मिले जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आशा रखते हैं। हे प्रियो, तुम देखो कि इस स्त्री में केवल विश्वास ही नहीं परंतु भविष्यवाणी भी थी। कुरिन्थियों के लिए क्लेमेंट का पहला पत्र 6:10। आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह का आदर करें जिनका लहू हमारे लिए दिया गया। कुरिन्थियों के लिए क्लेमेंट का पहला पत्र 10:6 प्रभु ने प्रेम के द्वारा हमें अपने साथ जोड़ा, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा से हमारे प्रति जो प्रेम रखा उसके कारण हमारे लिए अपना लहू दिया, उसका शरीर हमारे शरीर के बदले में, उसका प्राण हमारी आत्माओं के बदले में। 1 कुरिन्थियों को क्लेमेंट का पत्र 21:7 इसी कारण हमारे प्रभु ने अपने शरीर को विनाश के लिए देने की प्रतिज्ञा की ताकि हमारे पापों की क्षमा के द्वारा हम पवित्र हो सकें, अर्थात उसके लहू के छिड़काव से, क्योंकि पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है वह हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया और उसके लहू से हम चंगे हुए, वह वध के लिए मेमने की तरह ले जाया गया और भेड़ के समान अपने कतरने वालों के सामने गूंगा रहता है। वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। बर्नबास का सामान्य पत्र 4:1-3 ऐसे परमेश्वर के अनुयायी होकर और मसीह के लहू से अपने आप को उत्तेजित करके तुमने वह काम पूरी तरह से पूरा किया जो तुम्हारे लिए स्वाभाविक था। फिसियों को इग्नाटियस का पत्र 1:3 इग्नाटियस
जिसे थियोफोरस भी कहा जाता है, एशिया के ट्रेलिस में स्थित पवित्र कलीसिया को यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर के चुने हुए और योग्य मांस और लहू के द्वारा शांति पाते हुए, और यीशु मसीह की पीड़ा जो हमारी आशा है उसके द्वारा पुनरुत्थान में, जिसे मैं उसकी परिपूर्णता में भी सलाम करता हूँ, प्रेरित चरित्र में बने रहते हुए उसके लिए सभी प्रकार की खुशी और आनंद की कामना करता हूँ। इग्नाटियस का ट्रेलियंस को पत्र 1:1। इसलिए नम्रता धारण करके विश्वास में अर्थात प्रभु के शरीर में और प्रेम में अर्थात यीशु मसीह के लहू में अपने आप को नया करते जाओ। इग्नाटियस का ट्रेलियंस को पत्र 2:7। मैं परमेश्वर की रोटी जो दाऊद के वंश से यीशु मसीह का शरीर है की अभिलाषा करता हूँ, और जिस पे की मैं अभिलाषा करता हूँ वह उसका लोहू है जो अविनाशी प्रेम है। रोमियो के नाम इग्नाटियस का पत्र 3:5। इग्नाटियस जिसे थियोफोरस भी कहा जाता है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को जो एशिया के फिलाडेल्फिया में है, जिस पर दया हुई है और जो परमेश्वर की एकता में स्थिर है और हमारे प्रभु के दुख में सदा आनंदित रहता है और उसके जी उठने के द्वारा सारी दया से परिपूर्ण होता है, जिसे मैं यीशु मसीह के लोहू में भी नमस्कार करता हूँ जो हमारा सनातन और निर्मल आनंद है, विशेष करके यदि वे बिशप और उसके साथ रहने वाले प्रेस्बिटरों और यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नियुक्त किए गए डीकनों से एक हैं, जिन्हें उसने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी दृढ़ता से ठहराया है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक ही शरीर है और उसके लोहू की एकता में एक ही प्याला है, एक ही वेदी है। इग्नासियस का फिलाडेल्फिया लोगों को पत्र 1:11। क्योंकि मैंने देखा है कि तुम एक अटल विश्वास में स्थिर हो, मानो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए गए हो, शरीर और आत्मा दोनों में और मसीह के लहू के द्वारा प्रेम में दृढ़ किए गए हो, और उन बातों के विषय में पूरी तरह से आश्वस्त हो जो हमारे प्रभु से संबंधित हैं। इग्नाटियस का स्मिनियों को पत्र 1:3। कोई भी व्यक्ति अपने आप को धोखा न दे, चाहे स्वर्ग में हो या महिमा में स्वर्गदूत और राजकुमार, चाहे दृश्यमान हो या अदृश्य, यदि वे मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करते तो वे दंड के भागी होंगे। इग्नाटियस का स्मिनियों को पत्र 2:12। मैं आपके बहुत ही योग्य बिशप और आपके आदरणीय प्रेस्बिटरी और आपके डीकन, मेरे साथी सेवकों और आप सभी को सामान्य रूप से और विशेष रूप से हर एक को यीशु मसीह के नाम पर और उसके मांस और लहू में उसके दुख और पुनरुत्थान में शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से और आपके साथ परमेश्वर की एकता में सलाम करता हूँ। इग्नाटियस का स्मिनियों को पत्र 3:22। जिसके अधीन सब कुछ है, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, जिसकी पूजा हर जीवित प्राणी करेगा, जो जीवित और मरे हुओं का न्याय होगा, जिसका खून परमेश्वर उनसे मांगेगा जो उस पर विश्वास करते हैं। फिलिप्पियों को पॉलीकार्प का पत्र 1:7। परंतु जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे वे अपने जीवन से भागेंगे और उसके विरोधी होंगे, और जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे वे अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देंगे, और हर एक अपने ही खून का दोषी होगा। हर्मस की तीसरी पुस्तक 10:13। इसलिए उन्होंने आपस में विचार किया कि क्या जाकर पिलातुस को ये बातें बताएं, और अभी वे इस पर विचार ही कर रहे थे कि फिर आकाश खुल गया और एक मनुष्य उतरकर कब्र में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। जब सूबेदार और उसके साथियों ने ये बातें देखी तो वे रात को ही कब्र से निकलकर पिलातुस के पास दौड़े, जिस पर वे पहरा दे रहे थे, और जो कुछ उन्होंने देखा था
उसे बताया और बहुत व्याकुल होकर कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैं परमेश्वर के पुत्र के लोहू से निर्दोष हूँ, परंतु ये तुम ही ने ठहराया है। तब सब उसके पास आए और उससे विनती की कि सूबेदार और सिपाहियों को आज्ञा दे कि जो कुछ उन्होंने देखा है उसके विषय में कुछ न कहें, क्योंकि वे कहते हैं, यह अच्छा है कि हम परमेश्वर के सामने सबसे बड़े पाप के दोषी ठहरे और यहूदियों के हाथ में न पड़े और पत्थरवाह न किए जाएं। इसलिए पिलातुस ने सूबेदार और सिपाहियों को आज्ञा दी कि कुछ न कहें। पीटर के अनुसार खोया हुआ सुसमाचार 1:11। तब परमेश्वर का वचन आदम के पास आया और उससे कहा, हे आदम, जैसे तूने अपना खून बहाया है वैसे ही मैं भी अपना खून बहाऊंगा, जब मैं तेरे वंश का मांस बनूंगा, और जैसे तू मरा हे आदम वैसे ही मैं भी मरूंगा, और जैसे तूने वेदी बनाई वैसे ही मैं भी तेरे लिए धरती पर एक वेदी बनाऊंगा, और जैसे तूने उस पर अपना खून चढ़ाया वैसे ही मैं भी धरती पर एक वेदी पर अपना खून चढ़ाऊंगा, और जैसे तूने उस खून के द्वारा क्षमा मांगी वैसे ही मैं भी अपने खून से पापों की क्षमा मांगूंगा और उसमें अपराधों को मिटा दूंगा। आदम और हव्वा की पहली पुस्तक 24:4-5। और फिर जहां तक जीवन के जल का सवाल है, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हें आज नहीं मिलेगा, बल्कि उस दिन जब मैं गुलगुता की भूमि में तुम्हारे सिर पर अपना खून बहाऊंगा, क्योंकि मेरा खून उस समय तुम्हारे लिए जीवन का जल होगा, और केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे सभी वंशों के लिए जो मुझ पर विश्वास करेंगे, कि यह उन्हें हमेशा के लिए विश्राम देगा। आदम और हव्वा की पहली पुस्तक 42:7-8। परमेश्वर ने आदम से आगे कहा, ऐसा ही मेरे साथ भी होगा पृथ्वी पर, जब मुझे छेदा जाएगा और खून बहेगा और पानी मेरी देह से बहेगा, जो सच्ची भेंट है और जिसे वेदी पर एक परिपूर्ण भेंट के रूप में चढ़ाया जाएगा। आदम और हव्वा की पहली पुस्तक 69:6।